Yes, sir. The reason why this is a difficult subject. और इसकी वजह ये है कि ये क्यों मुश्किल है, इसकी वजह ये है. It's because we tend to be more cultural than scriptural. क्योंकि ये जो है तमाम बाइबल मुकद्दस में जो तमाम मज़ामीन है उनमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अहम जो है ये मज़मून है. You see, in the culture, we become members of everything. और हम देखते हैं कि हमारा कल्चर इस तरह का हो चुका है कि हम एक जो है ताबिया नहीं रहना चाहते. You see, in our cultures, we're members of our families, we're members in the schools, we're members in our community. और हम देखते हैं कि इस कल्चर में, इस तहजीब में रहते हुए हम मुख्तलिफ तौर पर हम मेंबर हैं, हम अपने फैमिली के मेंबर हैं, हम अपने स्कूल में किसी चीज क्लास में मेंबर हैं और हम मुख्तलिफ जगहों पर एक मेंबर की हैसियत से हैं. But that is not true of a disciple. लेकिन ये शिगिर्द नहीं है, हम इस बात में हमारा जो है एक अलहदा दर्जा है और हम शिगिर्द नहीं है. To have membership in something means you have rights. और किसी के साथ जो मेंबरशिप करना है, किसी के साथ जो है तल्लुक रखना है, वो ये नहीं कि हम किसी के शिगिर्द होते हैं बल्कि एक अपनी हैसियत होती है. So the majority of believers want to be members of the church. So हमें एक कलीसिया के जो है मेंबर होने के साथ साथ हमें शिगिर्द होने की भी जरूरत है. हालेलुया. See, membership for most people in their mind, they believe that membership means they have rights to receive something. और बहुत से लोग जो है मेंबरशिप का इस तरह से मतलब लेते हैं कि जो चीज किसी को मिलेगी वो ही हमें मिलेगी. But that's not what Jesus calls us to. So खुदावंद खुदा जो है यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाता है. Jesus calls us to be disciples, not members. और यीशु मसीह जो है आपको एक मेंबर होने के लिए नहीं बुलाता बल्कि एक शगिर्द के लिए आपको बुलाता है. हालेलुया. And this is a really difficult thing to change in our thinking. So इसलिए ये एक बड़ा मुश्किल मज़मून है कि हम अपनी सोचों को जो है एक फर्द से, एक मेंबर से हटाकर एक शगिर्द के जो सोचे हैं उसको अपने ज़हन में मुनकिल करें. आमीन. And this takes time. और इस वक्त हम देखते हैं. Because we have to fight everything that's around us in our community and in our culture. और हम अपने कम्युनिटी में और अपनी तहजीब में हम देखते हैं और अपने इर्द गिर्द. Now I want you to let's go back to Luke chapter 9 verse 23. So हम देखेंगे लूका की अंजील उसका नौवां बाब और उसकी 23वीं आयत में. जी, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले. आमीन. Now look at this verse very carefully. तो बड़े एहतियात और बड़े गौर से हम इस आयत को देखेंगे. Jesus is speaking directly to his disciples. यीशु मसीह जो है अपने शिगिर्दों को, डिसाइपलशिप की जो शिगिर्दियत के बारे में तालीम दे रहे हैं. Which means Jesus is speaking to you and I, to the both of us today. So जो ये लिखा हुआ है इस वक्त यीशु जो है वो सिर्फ अपने शिगिर्दों से बातचीत नहीं कर रहा था बल्कि वो बातचीत हम सब लोगों के साथ भी थी. Amen. If you and I believe that the word of God is eternal, it's eternal. So agar aap aur hamara jo hai hum sab ka imaan hai ki Bible Muqaddas jo hai khuda ka kalam ab tak qaim rehne wala hai. So the word of God eternal means there's no beginning, no end. Aur hum dekhte hain ki jo Bible Muqaddas hai iska koi ibtida nahi, iski koi intaha nahi. Which means that word is applicable to us today.
और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस जो है आज भी हमारे दरमियान जो है यकसा कुदरत रखता है। हालेलुया। So if you look at verse 23 very carefully, तो अगर हम बड़े गौर से 23वीं आयत को देखते हैं, and he is speaking to his disciples, और वो अपने तमाम शिगिर्दों को ये तालीम दे रहा था। Now, and I want you to understand, he had 12 disciples in front of him. तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो शिगिर्द उसके सामने खड़े थे, these were not members of the church. वो एक कलीसिया के जो है मेंबर नहीं थे। These are disciples. वो शिगिर्द थे। आमीन। आमीन। And so he says, if anyone wishes to come after me, और यीशु मसीह ने इसलिए उनसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे आएगा, then they must do three things. उसे तीन चीजें जो है लाजमी करना पड़ेंगी। Not one of three. और इन तीनों में से अगर वो एक भी पूरी करेगा तब भी वो मेरा शिगिर्द नहीं होगा। Not two of three. अगर वो तीन में से दो भी करे तब भी वो मेरा शिगिर्द नहीं होगा। But all three things they must do. अगर वो तीनों चीजें जो है अपनी जिंदगी में करेगा तब ही वो मेरा हकीकी शिगिर्द कहलाएगा। आमीन। आमीन। So he says the first thing, they must deny themselves. तो पहली चीज यीशु मसीह ने जो उनको तालीम दी कि सबसे पहले हमें अपनी खुदी का इनकार करना है। And then the second, they must take up their cross daily, every day. और दूसरी चीज जो यीशु मसीह ने हमें बताई है वो है कि हमें हर रोज अपनी सलीब को उठाना है। And third, they must follow him. और जो तीसरी चीज है वो हमें बताई गई है कि हमें उसके पीछे चलना है, उसका जो है अपनी स्लीप को उठाकर उसका पीछा करना है। Now I want to go back to where you and I left off last week. So मैं आपको पिछले हफ्ते जो हमने स्टडी की थी उसमें थोड़ा सा जाना चाहता हूँ। And you remember we were talking about that you and we were in the book of Romans chapter 6 verse 11 to 13. Open your Bibles to Romans chapter 6 verses 11 to 13. तो हम बाइबल मुकद्दस में रोमियों की किताब उसका छठा बाब और उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक हम देखेंगे। जी, हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से रोमियों की किताब और उसका छठा बाब और उसकी 11 टू 13 वर्स देखेंगे। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के अतबार से मुर्दा मगर खुदा के अतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी जिस्मों पर वतन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो और अपने आजाद नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने आजाद रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। आमीन। आमीन। From this point on, Romans chapter 6, verse 11 to 13 is going to be our foundational text for tonight. So, आज जो हमने हवाला पढ़ा है रोमियों की किताब उसका छठा बाब और उसकी 11 से 13 आयत तक जो हमने पढ़ा है वो हमारे में इस मज़मून की जो है वो एक बुनियाद है। Now you remember that last week we talked about what kind of instrument is the cross. और हमने पिछले हफ्ते जो है बड़ी तफसील के साथ इस बात का जो है इल्म हासिल किया था कि किस तरह हमें अपनी स्लीप को समझना है कि हमारी स्लीप क्या है। We said that the cross is an instrument of death. और हमने इस बात को बड़ी तफसील से सीखा था कि जो स्लीप का निशान है वो मौत की निशानदाही करता है। And because the cross is an instrument of death, we have to die to self. So hum dekhte hain ki sleep ka nishan jo hai wo ek maut ki alamat hai isliye hame zarurat is baat ki hai ki hum apne aap ko us maut ke liye taiyar rakhein. Amen. Amen. And last week we gave you point number 1, the believer must consider himself crucified with Christ.
तो हमने पहली चीज जो उसमें सीखी थी वो ये थी कि जो ईमानदार लोग हैं वो ये समझे कि वो यीशु मसीह के साथ उस वक्त ही मसलूब हो चुके थे. So we have to see ourselves literally crucified with Christ on the cross. और हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि हम स्लीप पर जो है वो क्रूसीफाइड बल्कि मसलूब हो चुके हैं. Now we go to point number two tonight. Point number two. So आज हम जो है दूसरे पॉइंट को भी देखेंगे, दूसरे नुक्ते को भी देखेंगे. We as believers have to consider ourselves dead to sin, but alive to God. Dead to sin, but alive to God. और आज हमें जो बात सीखनी है वो ये है कि हम जिस्मानी तौर पर जो है वो मुर्दा है, लेकिन रूहानी तौर पर हम यीशु मसीह में जिंदा हैं. हालेलुया. हालेलुया. Now remember that. Go back to verse 11, Romans chapter 6, verse 11. Look at verse 11. तो हम 11वीं आयत को फिर एक दफा पढ़ेंगे. इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के अतबार से मुर्दा, मगर खुदा के अतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो. आमीन. God is asking you to do two things. और खुदावंद खुदा हमसे दो तरह का मुतालबा इस जगह पर करता है. He's asking for you to think of yourself as dead to sin. और यीशु मसीह हमें कहता है कि अपने आप को मेरे पास ले आओ और स्लीप के लिए, मौत के लिए अपने आप को तैयार करो. But alive to God in Christ Jesus. लेकिन यीशु मसीह में हम यीशु के साथ जिंदा भी हैं. Now I want you to understand something. तो मैं आपको एक चीज जो है समझाने वाला हूं. God will never ask you to do something that you cannot do. और यीशु मसीह हमें हमेशा ऐसी बातें कहता है जो हम कर सकते हैं. वो हमें कभी भी ऐसी बात का मुतालबा नहीं करता जो हम अपनी जिंदगी में कर ना सकें. Now this is crucial to understand. तो एक बड़ा अच्छा क्लू है समझने के लिए. Before you became a Christian, before you were born again, you were saved. इससे पहले कि आप नए सिरे से पैदा होते और एक नए मसीह बनते, you had the nature of sin inside of you because we're born with a sinful nature. तो इससे पहले कि आप पैदा होते, आपके पास जो है गुनाह की जो फितरत थी ये पहले से ही मौजूद थी. As an unbeliever, we can never fulfill Romans 6:11. So, अगर हम ईमानदार नहीं होते हम तो इस वक्त इस वजह से जो है जब हम ईमानदार नहीं होते तो हम इस आयत को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते. And the reason is because you see, an unbeliever does not have Jesus Christ as his savior. और हम देखते हैं कि जो गैर ईमानदार लोग हैं वो इस बात का भी जो है तस्लीम नहीं करते कि यीशु मसीह एक निजात दहिंदा है. See, an unbeliever has not accepted Jesus Christ as the one who took his place on the cross. Jesus is our substitute on the cross. तो एक गैर ईमानदार शख्स जो है इस बात को भी नहीं समझ सकता कि यीशु मसीह जो है स्लीप पर उसने अपने लोगों के लिए जान दी है. वो गैर ईमानदार जो शख्स है वो इस बात को भी नहीं समझता. So, if everybody tonight in front of me is a believer, और अगर हमारे सामने अगर कोई भी ईमानदार शख्स बैठा हुआ है, it means that Jesus went to the cross and took your place for your sins on the cross and he died for you. तो इसका मतलब है कि वो अपने जहन में इस बात को रखे हुए है कि यीशु मसीह मेरी खातर जो है मेरी जगह पर मेरे गुनाहों की खातर स्लेब पर चढ़ाया और उसने अपनी जान दी है. हालेलुया. That's the reason why you can consider yourself dead to sin. इसी वजह से हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम गुनाहों के इतबार से मुर्दा हैं. And now you can be alive to God in Christ Jesus. तो आप गुनाहों के
اعتبار سے اپنے جسم کے اعتبار سے تو مردہ ہیں لیکن یسوع مسیح میں آپ زندہ ہیں ہاللویا How can I be alive to God in Christ Jesus? اور سوال ہمارے لیے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح یسوع مسیح میں جو ہے ہم زندہ ہو سکتے ہیں کس طرح خدا میں ہم اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں The reason why you and I can be alive to God in Christ Jesus is because the Holy Spirit now lives in the inside of us. اور ایک جو بڑا ہمارے لیے مددگار ہے یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزارنا خدا میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہمارے لیے ایک بڑا مددگار خدا نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا اور وہ مددگار روح القدس ہے ہاللویا روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں پریز گاڈ ہاللویا Now, this is the part that gets a little bit difficult. और इसलिए जब रूह कुदस हमारे पास नहीं होता तो हमें ये बड़ा मुश्किल काम लगता है. Now, as a believer, you ask yourself, as a believer, why then do I sin? तो जब हम गैर ईमानदार लोग होते हैं तो हम ये मुतालबा करते हैं हम ये सवाल करते हैं कि किस तरह हम जो गुनाह है उनसे बच सकते हैं. Now there's a very big difference between how an unbeliever sins and how a believer sins. Two big differences. So hum dekhte hain ki do cheezon mein farak hai. Ek wo cheez jo imandar janboojhkar jo hai gunah sarzad karta hai aur ek gair imandar shakhs jisko gunah ka pata hi nahi hai jab wo gunah karta hai to in dono gunahon mein farak hai. You see when the unbeliever sins His sin is to death for eternity. So, जब गैर ईमानदार शख्स जो है गुनाह करता है तो उसकी कोई उम्मीद नहीं होती कि इस गुनाह का क्या खलासी है इस गुनाह के लिए मैं क्या कर सकता हूँ उसका ख्याल होता है कि मैं हमेशा के लिए इस गुनाह की सजा में हमेशा के लिए मर जाऊंगा और मौत ही मेरे लिए है And that's because he's not accepted Jesus Christ as his substitute on the cross. और इसकी वजह यह है क्योंकि वो ये नहीं जानता कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए पहले से ही कफारा दे रखा है वो इस बात को नहीं समझता इसलिए वो अपने गुनाहों का जो है खलासी के लिए रहाई के लिए वो अपनी जान को ही दुख देता रहता है So his sin is counted to him for eternal death. So ये जो चीज है उसे हमेशा की मौत में जो है वो मुंतकिल कर देती है Now, the believer, on this side, the believer, when you sin, and you're going to sin, जब एक गुनाहगार जो गुनाह करता है, एक ईमानदार गुनाह करता है, उसके एहसासात और उसकी उम्मीद क्या होती है? Is that Jesus already paid the price for your sins. और वो जानता है कि यीशु मसीह ने पहले ही मेरे गुनाहों के लिए कफारा जो है मेरे गुनाहों की जो कीमत है पहले क्रॉस पर जो है अदा कर He paid the price of your past sins, your present sins, and your future sins. और उसका ये ईमान होता है कि उसने जो माजी में गुनाह अपनी जिंदगी में किए हुए हैं वो भी उसकी जिंदगी से चले गए हैं उसके जो माजी में गुनाह थे वो भी जाते रहे हाल के गुनाह और जो वो मुस्तकबिल में गुनाह करने वाला है वो गुनाह भी उसकी जिंदगी से मिट चुके हैं हालेलुया That's why he says but alive to God in Christ Jesus और यही वजह है कि इस वजह को जब हम इस एहसास को अपनी जिंदगी में रखते हैं तो ये एहसास जो है हमें जीवन में रहने में मदद करता है हालेलुया So when I sin, I have to be reminded that Christ died for my sins, and I immediately confess my sins to God. अगर मैं अपनी जिंदगी में कोई गुनाह करता हूँ, तो मुझे यीशु मसीह के लहू की और उसके मौत की जो है वो पता है, और मैं यीशु मसीह जब माफी मांगूंगा उस गुनाह के लिए, तो मेरी उम्मीद है मुझे ईमान है कि यीशु मसीह जो है मेरी उस गलती को उस गुनाह को माफ कर देगा। This is what Romans chapter 6 verse 11 is talking about. और इसीलिए जो खुदा का कलाम है हमारे साथ इसीलिए ये बात जो है शेयर की गई है जो रोमियो की किताब के बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखी है. Let me ask you turn your Bibles to
First Peter chapter 4 verse 2. First Peter chapter 4 verse 2. तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और उसके में पहला पत्रस उसका चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत को देखें। जी, खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, पहला पत्रस चार बाब और उसकी दो आयत, ताकि इंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजार बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारें। Amen. Amen. Now, look at this verse very carefully. बड़े ध्यान के साथ जो है वो इस आयत को पढ़ें। Now, Peter is speaking to believers. पत्रस जो है वो बड़े ईमान के साथ जो है वो इस आयत को लिखता है। He's speaking to believers now after they get saved. ताकि अंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारें बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारें। So Peter tells them, from this point in your life after salvation, live the rest of your life, your flesh no longer for the lust of men, no longer for sin. और जो जिंदगी हम पहले गुजार चुके हैं गुनाह में अब वो जिंदगी ना गुजारें बल्कि जो हमने अपनी निजात पा ली है तो हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को खुदा के जलाल के लिए गुजारें। Now, Peter would not ask you to do what you could not do. और पत्रस हम देखते हैं इस बात को हमसे लेना चाहता है जो हम कुछ नहीं कर सकते वो हमें इस बात के लिए नहीं कह रहा। So he says, at the end of verse 2, he says, but live for the will of God. So, aakhri ayat mein jo hai, Bible Muqaddas mein Patras hame batata hai. Sir, please, first Patras 4 and verse 2, sir. First Peter chapter 4, verse 2. Right, sir. ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारें बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक ताकि खुदा की मर्जी के मुताबिक जी आमीन। Now, before you were saved, when you were an unbeliever, you could not live for the will of God. तो देखो ये सुपर नहीं होता तो आपके लिए ये बड़ा मुश्किल है तो जो समझना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। But now that you're saved, you can live for the will of God. और जब आप ईमानदार शख्स हो जाते हैं तब आप इस कलाम को पढ़ते हैं तो आपके लिए बड़ी तसल्ली और बड़ी तशफी का जो बायस बनता है। हालेलुया। Now, it's important that you and I understand you and I will struggle with sin. और इसे जब हम इस बात को समझते हैं तो हम भी गुनाह के साथ अपनी जंग के साथ अपनी जंग को जारी रखते हैं। But we can have victory over sin now that we're saved. और इस आय पढ़ने के बाद हम इस बात पर फतह हासिल कर लेते हैं गुनाहों पर हम फतह हासिल कर लेते हैं अपने जो रास्ते में मुश्किलात हैं खुदा के रास्ते में उन पर हम फतह हासिल कर लेते हैं। हालेलुया हालेलुया यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां जाएंगी। That's because we have the Holy Spirit living inside of us. और यही वजह है कि खुदा का पाक रूह जो है हमें मुजस्सम है हमारी जिंदगी में वो अपनी जिंदगी को दम फूंकता है और हमारे अंदर जो है ये खुदा का पाक रूह रहता है। हालेलुया। Go back to Romans chapter 6. Go back to Romans chapter 6 verse 12. और हम वापस रोमियो की किताब उसका छठा बाब और उसकी बारहवीं आयत को देखेंगे।
रोमियो की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत जी रोमियो चलिए लिखी जाए मपाचे लेने इतर को नोट्स रोमियो 6 बाब और उसकी 12 आयत बस गुना तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो आमीन आमीन नाउ आई एम गोना गो टू पॉइंट नंबर 3 तो आज हम तीसरे पॉइंट की तरफ विरवाना होंगे तीसरे बात जो है उसको भी सीखेंगे द बिलीवर डज नॉट अलाउ सिन टू रूल इन हिज बॉडी तो जो ईमानदार है उसके अंदर ये ख्वाहिशात भी नहीं होनी चाहिए दूसरों की ख्वाहिशात के मुताबिक और अपनी ख्वाहिशात को जो है उसे पूरा करने की जरूरत नहीं है This is important to understand also. और ये बड़ा जरूरी है कि आप इस बात को समझ सकें You and I cannot stop sin from coming in. और जो हमारा फ्यूचर है हमारा जो आने वाले दिन है उनमें हम इस बात को याद रखें कि हम गुनाह से रुक नहीं सकते हम कभी भी गुनाह को किसी से रोक नहीं सकते But we can stop sin from ruling over our lives. लेकिन हम गुनाह को अपनी जिंदगियों में आने से जो है वो रोक सकते हैं आपको पिछली दफा भी बताया गया था कि गुनाह जो है हमारे दरवाजे पर आकर खटखटाता है लेकिन दरवाजा हमने खोलना है जब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और जो गुनाह है वो हमारे अंदर नहीं आ सकता आमीन And now we just finished reading verse 12. और बड़े ध्यान से और गौर से हमने इस आयत को जो है 12वीं आयत को पढ़ा है And the apostle Paul tells us do not let sin reign do not allow sin to rule in your mortal body और बड़े जो है बड़े एहतियात से और बड़े गौर से हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने हमें इस बात से आगाह किया है कि हमें अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी को अब से नहीं गुजारना बल्कि खुदा की मर्जी के साथ हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है आमीन आमीन सो ही इज टेलिंग अस दैट वी कैन नॉट स्टॉप सिन फ्रॉम कमिंग इन बट वी कैन स्टॉप सिन फ्रॉम रूलिंग ओवर आवर लाइव्स आमीन और हम देखते हैं कि जो गुनाह है उसको हम अपने अंदर आने से रोक सकते हैं जब गुनाह हमारे अंदर आ जाता है तब हम उसको रोक नहीं सकते बल्कि जब वो हमारे अंदर आने की कोशिश करता है जब तब तभी हम उसे रोकेंगे तो हम गुनाह से बच सकते हैं हालेलुया दिस इज व्हाट इट मींस व्हेन जीसस सेड पिक अप योर क्रॉस डेली और इसी बात का जो मतलब है वो हमें खुदावन यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया है कि अपनी क्रॉस को अपनी स्लीप को जो है हर रोज आपने उठाना है Now, please turn your Bibles to Colossians chapter 3, verse 5. Colossians chapter 3, verse 5. तो हम देखेंगे गलतियों उसका तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत को हम देखेंगे तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत जी गलतियों तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम्हें मौजज़े जाहिर करता है क्या वो शरीयत के इमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से आमीन सो अगेन दिस इज द अपोस्टल पॉल टॉकिंग टू अस और दोबारा हम फिर ये देखते हैं कि पौलुस रसूल ने यही कलाम जो है ये भी पौलुस रसूल ने ही लिखा है सो ही इज टेलिंग अस एज बिलीवर्स तो वो हमें ईमानदार होने के नाते ये बातें जो है हमें बता रहा है That we have these earthly bodies. और हमारे जो जमीनी जंग है वो हमारी जारी रहती है हमेशा And he says, we're gonna have immorality wants to come into our lives. और वो हमें जो है वो बाज चीजों का जो हमें तज़किरा करता है और हमें मोहतात करता है कि हम ऐसी चीजें नहीं करनी उनमें पहली चीज यह है कि हमें गैर खिलाफ की जो रवैया है वो नहीं अपनाना He says impurity wants to come into our lives, passion wants to come into our lives, evil wants to come into our lives, greed wants to come into our lives,
और उसने कहा है कि हमारी जिंदगी में कभी भी गुनाह की मिलावट नहीं होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में कभी भी गुनाह के लिए जो जज्बात हैं, जो जज्बे हैं वो नहीं होने चाहिए, हमें झूठी बातें जो है गन्ने वाला और उसको सुनने वाले जो जज्बा रखते हैं उनके लिए हमें तैयार नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा हमें उन बातों से बचना चाहिए। आमीन। But since Jesus said, pick up your cross daily, तो जब यीशु मसीह ने अपने सलीब को उठाने के लिए हमसे कहा है, which the cross is an instrument of death, और हमने इस बात को भी पहले सीख लिया है कि जो स्लीप का निशान है वो मौत का निशान है। So when any of these sins seek to come into my life, तो इन गुनाहों में से कोई भी गुनाह जो है जब हमारे अंदर आ जाता है, I pick up the cross, I am dead to this, तो हम उस गुनाह के लिए जो है अपनी स्लीप को उठाते हैं और हम मरने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं, उस गुनाह से निजात के लिए हम तैयार हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। And it's important that we do this daily, और ये बात जो है एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि हर रोज हमें ऐसा करना है। Every morning when I get up very early in the morning and I go walking. और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जो सुबह सवेरे है बड़ी जल्दी उठ जाता हूँ और मैं वॉकिंग के लिए अपनी सैर के लिए जो है सुबह जाता हूँ। But as I am walking, I'm praying to God. और इसके दौरान ही जब मैं वॉक कर रहा हूँ, जब हम मैं सैर कर रहा होता हूँ, तो मैं खुदावन खुदा से जो है दुआ भी कर रहा होता हूँ। And I have to pray to God and say, God, forgive me for my sins today. और मैं खुदा से बातें कर रहा होता हूँ, खुदा से दुआ कर रहा होता हूँ कि खुदावंद जो मैं आज गुनाह करने वाला हूँ, जो मेरी जिंदगी में आज गलतियां होने वाली हैं, उनके लिए मुझे अभी से माफ कर दे। हालेलुया। Because look at Colossians chapter 3 verse 5. क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ये गलतियों की किताब में दर्ज है। Read it again. दोबारा से पढ़ें। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के ईमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? आमीन। आमीन। I as a man of God, और एक खुदा की खादम होने की हैसियत से, just like you, I have to fight, और आपके जैसा ही मेरे अंदर भी ईमान है। The devil wants to attack me also. और जिस तरह जो शैतान है आप पर हमला करता है गुनाह करने के लिए, इसी तरह शैतान जो है मुझ पर भी हमला करता है। With all of those things in Colossians chapter 3 verse 5. लेकिन इन तमाम चीजों के लिए जो इन पर गालिब आने के लिए जो तमाम चीजें हैं वो हमें इस बाब में जो है बयान की गई हैं। Read it again. दोबारा से फिर इसको पढ़ते हैं। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम्हें मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के इमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? आमीन। आमीन। You see, I cannot live on my prayers of yesterday for today. और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जो पुरानी दुआ हमने पिछले दिन की थी उसके सहारे से आज मैं जिंदा नहीं रहूंगा, बल्कि जो मैंने आज दुआ की है उसके सहारे जो है मैं आज जिंदगी गुजारूंगा। That's why I have to pick up my cross daily. और यही वजह है कि मैं इस बात को समझता हूँ कि मैंने अपनी स्लीप को जो है आज फिर उठा लिया है और मैं हर रोज ऐसा ही करता हूँ। Hallelujah. This is what a disciple does every day. और ये एक शिगिर्दियत की रूह है कि हर रोज एक काम को करना है। You see, the church member is different. और हम देखते हैं कि जो चर्च के लोग हैं, जो चर्च में रहने वाले लोग हैं और चर्च के मेंबर हैं, वो शिगिर्दियत से अलहदा किए गए लोग हैं। See, the church member waits one day a week to go to church to be prayed for.
और जो चर्च के मेंबर हैं उनके लिए एक ही दिन जो मुकरर है और वो एक ही दिन खुदा के घर में जाते हैं और एक ही दिन इबादत करके आ जाते हैं. But a disciple walks every day, और जो चर्च का मेंबर है उसे सिर्फ एक ही दिन उस जिम्मेदारी को निभाना है, लेकिन जो शिगिर्द है उसको हर रोज अपनी स्लीप को उठाना. हालेलुया, आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे. आमीन. You see, the church all over the world, the church is weak because it's filled with church members. और हम देखते हैं कि तमाम दुनिया के जो चर्चेज हैं वो ईमानदारों के जरिया से, चर्च के जो मेंबर्स हैं उनके जरिया से जो है बड़े होते हैं. God doesn't call you to be a church member. He calls you to be a disciple of Jesus Christ. लेकिन जो चर्च के मेंबर हैं और चर्च में जो अफराद हैं उनको आप शगिर्द नहीं कह सकते, बल्कि वो चर्च के जो है एक खास हैसियत रखते हैं और चर्च के मेंबर हैं. I'm going to go to point number 4. और चौथा जो नुक्ता है उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. As a believer, I do not give my body as an instrument of sin. और मैं आपको चौथी बात ये सिखाना चाहता हूं कि जो चीज जो जिस्मानी तौर पर हम जब देखते हैं तो हम अपने जिस्म को कुर्बानी के लिए, मौत के लिए हम यीशु के हवाला नहीं कर सकते. So I'm going to ask you a question. So मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. If you are dead, can you be an instrument of sin? अगर आप मुर्दा हो तो क्या आप गुनाह कर सकते हैं? What would be the answer? और आपका जवाब इस बात के लिए क्या होगा? No, sir. No, right? Yes, we agree. Right? So now, when Jesus died on the cross, we died with him on that cross. Amen. So हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की और वो मर गया, इसी तरह हम भी यीशु मसीह के साथ मसलूब हुए और अपनी जान को जो है फिदिया में उस वक्त दे दिया था. Hallelujah. So let me show you. Go to Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 13. Romans 6:13. तो हम रोमियो की किताब उसका छठा बाब और उसकी 13वीं आयत को हम फिर से दोबारा देखेंगे. और अपने अज़ा 13 आयत और अपने अज़ा नरास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तवाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो. आमीन. Amen. So now, you cannot take a dead man, pick him up, and use him as an instrument of unrighteousness. So, आप एक शख्स को जो मुर्दा है, उसको आप दोबारा उठा सकते हैं और उसको म्यूजियम में दाखिल करके उससे जो है रास्तबाजी को नहीं देख सकते. Amen. Amen. Because he's dead. क्योंकि वो मुर्दा है. You and I died with Christ on the cross. और हमारा ईमान है कि जब यीशु मसीह स्लीप पर मसलूब हुआ तो उसी के साथ ही हम मसलूब हो चुके हैं और अब हम मुर्दा हैं जिस्मानी तौर पर. So Paul tells us at the very beginning of verse 13, Paul says this. और बड़े एहतियात से हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने 13वीं आयत में क्या लिखा है. Don't go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness. और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो. आमीन. So you have to see yourself as dead with Christ. और हमें ये ईमान रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह में जो है हम अपने आप को मार चुके हैं, हम मुर्दा हैं. So every time that sin comes to my life, तो हर दफा जब भी स्लीप पर जो हम मुर्दा हो चुके हैं, जब भी हमारे नजदीक जो है गुनाह आएगा, I have to tell sin, stop. I'm dead to you and alive to Christ.
और आपको जो है एक बात कहने की जरूरत है, जब भी गुनाह आपके नजदीक आएगा तो आपको हुक्म देने की जरूरत है कि गुनाह मैं मर चुका हूँ और अब मैं यीशु में जिंदा हूँ, इसलिए तू मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया, यीशु के जलाल के लिए बताएं। You see, you and I have to face temptation, all kinds of temptation. और हम देखते हैं कि ईमान में मजबूत होने के लिए, पुख्ता होने के लिए हमें मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों में से गुजरना पड़ता है। हालेलुया। Most of sin and temptation comes through our eyes. और बहुत से जो गुनाह हैं हम देखते हैं अपनी आंखों के साथ देखते हैं कि ये गुनाह है। Once it comes to our eyes, it comes to our mind. और जब हम अपनी आंखों से इस गुनाह को देखते हैं तो वो हमारे ज़हन में आ जाता है। Once it comes to our mind, it comes to our heart. और जब हम उसको अपनी आंखों से देखते हैं तो वो हमारे ज़हन में आ जाता है। जब हम उस ज़हन में उसके तसव्वुरात को देखते हैं तो वो हमारे दिल में पहुंच जाता है। Now this part is where I have to stop sin. तो ये वक्त है, इस बात के लिए ये वक्त है कि हम गुनाह को जो है इनकार कर दें, गुनाह को अपनी जिंदगी से दूर कर दें। I have to stop sin between my eyes and my mind. और जब गुनाह हमारे सामने ही आता है तभी हमें उसको हुक्म देने की जरूरत है। हम अपनी आंखों से ही उस गुनाह को ना देखें और अपने जहन में भी उसका तसव्वुर जो है हम अपने जहन में भी ना करें। If I fail to stop it in my mind, अगर मैं इस बात में नाकाम हो जाऊं, अगर हम इस बात में फेल हो जाएं कि हम अब गुनाह को जो है अपने जहन में आने से रोक सकें, then it will go from my mind to my heart. तो जो गुनाह है वो मेरे जहन से जो है उतर कर मेरे दिल में आ जाएगा। And here's the problem when it comes to your heart. और ये एक बड़ा मसला बन जाता है जब आपके जहन में आकर आपके दिल में ये जो गुनाह है उतर जाता है तो ये आपके लिए एक मसला बन जाता है। It gets control of your will. तो ये आप जो है आपकी मर्जी को, आपकी मर्जी के मुताबिक आपका दिल नहीं चलता बल्कि उस गुनाह के जो मर्जी है उसके हिसाब से ये आपका दिल चलता है। It gets control of your emotions. और आप अपने जो एहसासात हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। It gets control of your feelings. और आपकी जो मर्जी है, आपकी जो आपकी फीलिंग्स है महसूस करने की इस जो है वो आपकी काबू में नहीं रहती। And the reason that happens is because your thoughts are so strong in your mind. और इन तीनों चीजों की जो वजह है वो यही वजह है कि आप जो गुनाह है उसको अपने जहन में आने की इजाजत देते हैं। Now my flesh wants what it wants. तो जब ऐसा होता है तो मेरी जान जो है, हमारी जानें जो है, हमारे बदन जो है इस बात पर आमादा हो जाते हैं जो गुनाह हमारे दिल में आता है। That's why you and I have to pick up our cross daily. और इस बात के लिए भी जो हम ये गुनाह जो है हमारी जिंदगी में आते हैं इनके लिए भी हमें अपनी रोजाना की बुनियाद पर सलीब को उठाने की जरूरत है। आमीन, आमीन। So you see, how do I stop this from happening in my life? और सवाल हमारे लिए फिर से ये पैदा होता है कि किस तरह इस तमाम प्रोसेस को जो है गुनाह को देखने की, गुनाह को हमारे जहन में आने की और दिल में आने की इस तमाम सिलसिले को हम कैसे रोक सकते हैं। Turn your Bibles to Romans chapter 8 verse 13. Romans chapter 8 verse 13. तो हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका आठवां बाब और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी, रोमियो की किताब उसका आठ बाब और उसकी 13 आयत। रोमियो की किताब उसका आठ बाब और उसकी 13 आयत। शुक्ला में मुकदस में लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। आमीन। Now look at verse 13, it's in two parts. तो आप बड़े ध्यान के साथ जो है इस वर्सेस को देखें, इसमें दो पॉइंट मौजूद हैं। Now,
The first part says that if I'm living according to the flesh, if I'm living according to this flesh, I must die. और पहली बात जो है वो ये है कि हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी ना गुजारे गुजारोगे तो जरूर मरोगे. Because the flesh can only take me to the grave. और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे. But if I'm living by the spirit, I'm putting death to the deeds of the body, to sin. और अगर आप रूह से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे. You and I will always be struggling. That's why we pick up the cross daily. और इसलिए हमें हर रोज जो है अपने जिस्म को सलीब पर मारना है, अपनी ख्वाहिशात को जो है वो सलीब पर खींचना है. Now, the longer you are a Christian, more time as a Christian, the more you live as a Christian. और बहुत जो है वो हम जो है वो जिंदगी तक जो है अपनी हम जिंदगी को जब गुजारते हैं, you will become sensitive to sin. और हमारी जिंदगी में जब गुनाह पाया जाता है. Now, let me give you an example of this. Sorry. I'm going to give you an example of what I'm talking about. और मैं आपको एक इसकी मिसाल देना चाहता हूं. एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं. When we were unbelievers, ईमानदारों की और गैर ईमानदारों की, murder, adultery, lying, stealing, those are the big things. Those are the big sins. और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जैसे जनाकारी जो है, हसद जो है, गुस्सा, तफरीके, जदाइयां, इस तरह के गुनाह जो है वो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं अनबिलीवर्स की जिंदगी में. That's common in the life of an unbeliever. और ये सारी चीजें जो है जो अनबिलीवर जो है, गैर ईमानदार जो है, उनकी जिंदगी में पाई जाती है. To lie, to cheat, to steal, to deceive, that's common in the life of an unbeliever. और चोरी करना, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, गाली गलौच, नाच रंग, ये सारी चीजें हम गैर ईमानदार लोगों की जिंदगियों में देखते हैं. Now we become believers. और अब हम आते हैं ईमानदारों की जिंदगियों पे. And all of those sins get smaller and smaller and smaller in our lives. और वो अपनी जिंदगी को आस्ता आस्ता जो है वो नीचे ले आते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं. Because you and I are maturing and growing in Christ. और हर रोज जो है वो अपने गुनाहों को जो है वो सलीब पर खींचते हैं और अपने गुनाहों को हर रोज जो है उसका कफारा देते हैं, अपने बदन को, बदन की ख्वाहिशात को सलीब पर खींच देते हैं. And the reason is because we're getting stronger and stronger in the Word of God and getting closer and closer to the Holy Spirit. और वो रूह कुदस के जरिए से हर रोज जो है वो अपने जिस्म पर गालिब आते हैं और हर रोज जो है वो मजबूत से मजबूत होते जाते हैं और यीशु के नाम को जलाल देते हैं. हालेलुया. Now, this is where another struggle develops in our lives. और इस तरह वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं. You and I become more and more sensitive. और आपको और मुझे जो है बड़े एहसास होने की जरूरत है. जब गुनाह हमारी जिंदगी में आता है तो उसके लिए बड़े एहसास होने की जरूरत है. You know those little sins that we have in our lives, the really small sins. और हम जब हमारी जिंदगी में बड़ा छोटा गुनाह हमारी जिंदगी में आता है तभी हमें उसको महसूस करने की सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए. As you become more mature and stronger in Christ, और जब आप इस तरह जिंदगी गुजारते हुए बड़े पुख्ता और ईमान में खुदा के साथ बड़े मजबूत हो जाते हैं, those little sins become bigger and bigger and bigger in our eyes.
और जब हम मसीह में इस गुनाह को जो छोटा सा हमें नजर आता है मसीह की नजर से हम उस गुनाह को देखते हैं तो हमारी आंखों से भी बढ़कर हमें बड़ा गुनाह जो है हमें वो नजर आता है And they begin to bother you. और वो हमारे जिस्मों तक आ जाता है हमें ऐसा महसूस होता है You know how sometimes you just roll your eyes at somebody? और बाज़ुकात ऐसा होता है कि आप उस गुनाह से खौफज़दा हो जाते हैं You know, you snap your teeth at them. और आप जो है अपने दांतों से अपनी जुबान से है जो है उस गुनाह को देखते हैं और इसका इकरार करते हैं अपनी जुबान जो है आपकी लड़खड़ाने शुरू हो जाती है you show disapproval to somebody with your face. और जब वो गुनाह आपके ऊपर हावी होता है तो आपका जो है मुंह बिगड़ जाता है आपको टेंशन होने लगती है और आपका पसीना जो है वो बहने लगता है Sometimes you just wave your hand at them in a very ugly way. और बाज़ुकात ऐसा होता है कि बड़े बदसूरत अंदाज से जो है आप उस गुनाह को झिड़कना चाहते हैं इस तरह हाथ करके Or sometimes you raise your voice at somebody in an ugly tone. और बाज़ुकात ऐसा होता है कि आप बड़ी बदसूरत जो आवाज है उस गुनाह के लिए निकालते हैं और उस गुनाह से जो है खौफज़दा होते हैं And then you walk away from that person. तो दोबारा फिर से जब उस गुनाह में आप होते हैं तो आप एक तरफ जाते हैं अपने जहन को रिलैक्स करने के लिए And your conscience, the Holy Spirit talks to you. और जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं हमारे जहन में रूहुल कुदस जो है वो आ जाता है और हमें उस गुनाह से लड़ने के लिए जो है वो कुव्वत देता है और हम उस गुनाह पर जो है फतह हासिल कर लेते हैं प्रेज गॉड हालेलुया हां यीशु के जलाल के लिए दैट्स व्हेन यू नो दैट यू आर ग्रोइंग इन क्राइस्ट और इसी वजह से जब हम यीशु मसीह में नशनुमा पाते हैं यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं तो हमें इस तरह की जो है कुदरत हमें गुनाहों पर फतह हासिल करने की कुदरत जो है हमें मिल जाती है आमीन आमीन Let me give you an example. और इस बात के लिए मैं एक और मिसाल आपको देना चाहता हूँ So the other day, early in the morning, I'm walking. और एक सुबह ऐसा हुआ कि जब मैं सैर के लिए जा रहा था And this man came around the corner. I'm walking down the street, and he came around the corner. एक दूसरा शख्स जो है वो मेरी तरफ आ रहा था मैं इस तरफ जा रहा था और वो मेरे आगे से इस तरह आ रहा था And with his shoulder, he bumped right into me. और ऐसा हुआ कि हम दोनों आपस में मुखालफ सिम्मत में चल रहे थे और मेरा जो कंधा है उसके कंधे के साथ ऐसे टकरा गया He pushed me back. और उसने मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया And I raised my voice. और मैंने अपनी आवाज को जो है ऊंचा कर दिया And I said, What are you doing? और मैंने अपनी आवाज को ऊंचा करके गुस्से के साथ उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो इस वक्त And the man kept walking. और वो जो शख्स है वो आराम से चलता रहा उसने कोई जवाब ना दिया So I kept walking. तो फिर दोबारा से मैं भी उस तरफ चलना शुरू हो गया And I can hear the voice of God in my head. और उसी वक्त जो है खुदा की आवाज जो है मेरे जहन में आई और मैंने खुदा की आवाज को महसूस किया I can hear him saying, you were not Christ-like. और मैंने महसूस किया कि यीशु मसीह ने मुझे कहा है कि तुम्हारा मिजाज जो है वो यीशु मसीह के जैसा नहीं है हालेलुया I stopped. और मैंने उस वक्त ही रुक गया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली I turned around and went to see if I could find the man. और मैंने दोबारा पीछे का रुख किया और मैं उस शख्स को जिससे मैं टकराया था उसे मिलने के लिए उसे ढूंढने लगा But it was too late. I didn't see him. लेकिन वो बड़ा देर हो चुकी थी अब वो जा चुका था और मैं उसे देख नहीं सकता था And the reason why I didn't see him because I allowed 10 minutes to pass. और इस वक्त जो इस बात का वक्फा था वो 10 मिनट का वक्फा हो चुका था लेकिन खुदा के रूह ने मुझे इतना एहसास किया हुआ था इतना मुझे गुनाह का पता चल रहा था कि मैं उसी वक्त जो है वो मुझे उस गुनाह का इल्म हो गया
But it was still bothering me. और वह दोबारा मेरे जहन में फिर से मेरे जहन में आता रहा और मैं उस गुनाह को देखता रहा महसूस करता रहा. So the next day when I went out walking, और जब अगली सुबह जो है फिर से सैर के लिए गया. And I came to that same corner. और मैं उसी रास्ते से जो है जा रहा था. Here comes that same man. और वही आदमी जो मेरे साथ टकराया था वो फिर से दोबारा वही जो है दूसरे रास्ते से आ रहा था. But this time I was looking for him. और इस दफा जो है मैं पहली दफा तो जो ऐसा हुआ था कि मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा था इसलिए हम उसके साथ मैं उसके साथ टकरा गया. लेकिन इस दफा मैं उस पर आंखें रखे हुआ था उस पर नजर किए हुए था. And this is what I noticed when I opened my eyes to see that man. और मैं बड़े ध्यान के साथ बड़े गौर के साथ उस शख्स की तरफ देख रहा था. He could not see. वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था. The man was blind. और वो जो शख्स था वो अंधा था. And he was walking with a white cane. और वो एक छड़ी के साथ जो है छड़ी के सहारे के साथ चल रहा था. When I saw that, और जब मैंने उसको देखा, I raised my voice to the man. I said, "Please forgive me." और मैंने फिर से दोबारा अपनी आवाज को उसके सामने बुलंद किया और मैंने उससे दरखास्त की कि ऐ भाई मुझे माफ कर दे. And the man stopped. और मैंने उसको रोक दिया और वो रुक गया. And he told me, "Please forgive me. You were the man I hit yesterday." और फिर से उसने भी मुझे ऐसा ही कहा कि आप मुझे माफ कर दें क्योंकि मैंने आप कल के जो दिन है मैंने आपके लिए अपने दिल में नफरत रखी थी. I asked him, "How do you know I'm the same man?" और कैसे हम यकीन कर सकते हैं कि मैं उसे पता भी नहीं था कि ये वही कल वाला आदमी है या और कोई है क्योंकि वो अंधा था. He said, "I cannot see you, but I recognize your voice." आमीन. उसने उस अंधे ने मुझे जवाब दिया कि मैं आपकी आंखों के साथ आपको नहीं दे सकता लेकिन आपकी आवाज जो है वो मैं पहचान सकता हूं. आमीन. इन द वर्ल्ड ऑफ सिन, और हम अगर गुनाह की जो दुनिया उसका मुतालिया करें उसको देखें. इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल द अगली सिंस दैट एग्जिस्ट, और जब इस कायनात का जो इसको तखलीक किया गया था उसी वक्त से जो है गुनाह इसमें राज कर रहा है. But in that moment, my small sin was just as big as the other sins. और उस वक्त जब ये गुनाह मुझसे सरजद हुआ था इस दुनिया के तमाम गुनाह जो इस दुनिया में है उनसे बड़ा गुनाह ये मुझे दिखाई दे रहा था. And I apologized to that man. और मैंने उस जो आदमी है उससे माजरत की उससे माफी मांगी. Why did I do that? और क्यों मैं ऐसा करूं मेरे लिए मेरे अंदर ये आपको जब ये आपने बात सुनी होगी तो आपको इस बात का जो है सवाल पैदा होगा कि क्यों आप माफी मांग रहे थे. Because I realized my small sin was not small sin, it was a big sin. क्योंकि जब मैं उस गुनाह को कर चुका था तो आपकी नजर में वो बड़ा छोटा गुनाह होगा कि मैंने एक आदमी के साथ टकराया और वो एक बड़ा गुनाह नहीं आपकी नजर में बड़ा छोटा गुनाह होगा लेकिन ईमानदार होने की हैसियत में वो गुनाह जो है मुझे बहुत बड़ा नजर आ रहा था. See, I had to pick up my cross every day. So मैंने फिर उस बात का तजुर्बा किया उस बात को मैंने याद किया कि मुझे हर रोज अपनी स्लीप उठानी है. God, hallelujah. That is what distinguishes you and I as Christians from non-believers. और यही फर्क जो है हम मसीहियों में और गैर ईमानदार शख्सों में जो यही वाज़ह एक फर्क है. Do you see what I'm talking about? क्या आपको इस बात की समझ लगी है जो मैंने आपसे कही है? जी ताली बजाकर बताएं. Yes, sir. Jesus introduced two crosses. और दो रास्ते हमारे लिए यीशु मसीह जो है छोड़ रहा है. The cross that he had to carry to die for us.
और एक बात जो ये थी कि यीशु मसीह ने अपनी स्लीप को जो है अपने कंधे पर लिया और हमारे खातर जो है वो स्लीप पर चढ़ा और उसने अपनी जान को दिया। That was the first cross. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पहले हमारी खातर जो है स्लीप ली थी। But the second cross is the one you and I have to carry. लेकिन जो दूसरी स्लीप जो है हमें उठाने की जरूरत है, पहली स्लीप तो हमारी यीशु मसीह ने जो है वो पहली स्लीप ले ली है, लेकिन दूसरी स्लीप हमें लेने की जरूरत है। आमेन। And the question is, are you willing to carry the cross that God is asking you to carry? और इस तमाम मजमून के बाद सवाल ये है कि क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप अपनी स्लीप को उठाएं? Are you ready? You have to be ready to carry that cross. मैं आपको बता दूं कि आपको इस बात के लिए तैयार होने की जरूरत है। Because our small sins are just as big as the other ones. क्योंकि जब हम इस सलीब को उठाते हैं तो एक छोटा सा गुनाह जब हमारी जिंदगी में आता है तो ये हमें बड़ा एक गुनाह लगता है। What would you do when Jesus said, love your enemy? और क्या महसूस करते हैं जब आप इस यीशु मसीह की इस बात को जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर कैसी कैफियत होती हैं जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो? And then I refuse to love my enemy. तो जब जो दुश्मन है हमारी तरफ जो मुखालफत करता है उस मुखालफत को हमें दूर करना है और उसके साथ हमें मोहब्बत करनी है। आमीन, आमीन। Here's the question. Whose sin is greater? तो हमारे अंदर एक और सवाल पैदा होता है कि कौन सा जो गुनाह है हमारे लिए बड़ा होगा, दुश्मन को माफ करना या फिर दूसरा गुनाह? It would be mine. It would be my sin will be greater. और जब मैं देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि जो मेरा गुनाह था, मैं उस शख्स के साथ जो है बुरी आवाज के साथ बोला था, तो मैं समझता हूं कि वो मेरा बड़ा गुनाह था उससे ज्यादा। Because Jesus gave the command to me as a believer to love my enemy, not to the non-believer. और उसने यीशु मसीह ने हमें इस बात के लिए हुक्म दिया है कि आपने गैर ईमानदारों के साथ भी उतनी मोहब्बत रखनी है जितनी आपके दुश्मनों के साथ आपने रखनी है। आपने अपने दुश्मनों को भी माफ करना है और गैर ईमानदार जो लोग हैं उनसे भी मोहब्बत रखनी है। आमीन, आमीन। Let me give you my second example and we'll come to a close. और एक दूसरी मिसाल के साथ आप मैं इस बात का जो है काम करूंगा। Now, like Pakistan, Peru is on a lockdown. और पाकिस्तान की तरह जो इस इलाके में खुदा की खादम अमेरिका के जिस इलाके में रहते हैं वहां पर जो है वो लॉकडाउन हुआ था। This is 114 days lockdown. और इस लॉकडाउन को जो है वो एक जो एक सौ साल एक सौ और जो 50 दिन है 140 दिन जो है वो हो चुके हैं। We now have food shortages. और हमारे पास इतनी भी जिम्मेदारी नहीं होती, हमें इतना भी यकीन नहीं होता कि क्या हमारे लिए आज खाना होगा। But there's a man who cursed me because I'm a Christian. And he is not. मेरे अंदर ईमान है, वो इस वजह से मेरे अंदर ईमान है क्योंकि मैं एक मसीही हूँ। इस वजह से मुझे हमेशा ये ईमान है, मुझे भरोसा है कि जो मैं कभी भी भूखा नहीं रह सकता बल्कि हर रोज मैं अपनी खुराक को हासिल करूंगा। आमीन। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेज़ गॉड। ताकि स्तुति उठे। आई एम नॉट हिज एनिमी, ही डिसाइडेड टू बिकम माय एनिमी। और जो मेरा दुश्मन है जिसने इस तमाम हालात को जो है बर्पा किया है, जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, वो मेरा दुश्मन है। He ran out of food. और वो मुझसे जो मेरी खुराक है वो भी छीन रहा है। I found out about it. लेकिन दूसरे रास्ते से जो खुदा की मोहब्बत है उसकी बदौलत मैं उस जो खुराक जो मेरे लिए लिखी गई है उसे मैं हासिल कर रहा हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।
So I took a plate of food to him. So मैं यहाँ होते हुए आपके लिए जो है एक थाली जो है खाने के लिए आपके लिए पेश करना चाहता हूँ अपने दिल में. जोरदार तालियां बजाएं खुदा के खाने. हालेलुया. That man told me, I am your enemy because you are Christian. और उस आदमी ने भी जो आदमी हमारे लिए ये सारा इंतजाम करता था वो भी हम मुझे ये बताया उसने मुझे मेरे साथ ये इजहार कर दिया कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ क्योंकि तू मसीही है. And he asked, why do you bring me food? और उसने कहा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ लेकिन फिर भी तुमने क्यों ये जो खाने की थाली है मेरे साथ मेरे लिए क्यों मुझसे रिसीव की है. I told them, the Bible tells me to pick up my cross daily and to love my enemy. और जब उसने मुझे ये खाना दिया तो उसने मुझसे ये सवाल पूछा लेकिन मैंने उसको बाइबल मुकद्दस की ये बड़ी खूबसूरत जो बात है उसके साथ बताई उसको बताई कि कलामे मुकद्दस में लिखा है कि अपनी स्लीप को रोजाना हमने उठाना है और अपने दुश्मनों के साथ रखनी है. आमेन. हालेलुया. आमेन. That's an example of picking up my cross daily. और इस वजह से जो ये तमाम मसाले मैंने आपको सुनाई है इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह हमने अपनी स्लीप को उठाना है हर रोज. यस सर. आमेन. 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 आई जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु के जलाल के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू सर. गॉड ब्लेस यू. अगले हफ्ते फिर मैं आपको इस बात में तफसील से बताऊंगा. उस वक्त के लिए आप मुझे इजाजत दें और आपको खुदा बरकत दे. आमेन. आमेन. गॉड ब्लेस यू सर. गॉड ब्लेस यू सर. आमेन.